यहाँ पर आते हैं, चाहे रिश्तेदार के साथ आते हैं या फिर जिनके भी साथ आते हैं, बिजनेस प्लान को यानी गहले बिजनेस को पहले समझते हैं आप, यस या नो, जानते हैं आप, और उसके बाद समझने के बाद जब आप एग्री होते हैं तो क्या जमा करते हैं, जमा करते हैं, और उस पैसे के बदले में आपको क्या दिया जाता है, प्रोडक्ट दिया जाता है। कितने लोगों को मालूम है कि पैसा जमा करने के बाद उसके बदले में प्रोडक्ट मिलता है? कॉम्बो पैक। मुबारक हो आपको, आपको बहुत कुछ आता है, बस सब कुछ नहीं आता। जिस दिन गेलवे का सब कुछ आ जाएगा वो कुर्सी नहीं, ये स्टेज, ये स्वागत, ये लेवल, ये माला आपके पास होगा दोस्तों। जब करते हैं उस प्रोडक्ट में उसके अलावा और भी कुछ मिलता है, क्या मिलता है? लेवल। आवाज नहीं आ रही है। लेवल, वेरी गुड। और क्या मिलता है? फैसिलिटी, आईडी, आईपी, वेरी गुड। और क्या मिलता है? नॉमिनी, वेरी गुड। और क्या मिलता है? सीनियर सपोर्ट। जी, सीनियर सपोर्ट। चलो इधर से नहीं, पीछे से। क्या गुरु मेरे भाई, अच्छे से मेरी बात, आपको पता है बहुत, यस या नो? मैं आपको एक एग्जांपल में, जाओगे शोरूम में, जमा करोगे और शोरूम में जाकर आप गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी खरीदने के बाद उस शोरूम वालों से आपका कोई रिश्ता बचता है? मतलब खरीद रिश्ता। मुबारक हो आपको, गैलवे बिजनेस मिला है। पैसा जमा करने के बाद, प्रोडक्ट लेने के बाद रिश्ता खत्म नहीं, वहीं से आपका और गैलवे का रिश्ता शुरू होता है। थैंक यू, थैंक यू। और जब उन सारी चीजों को साइड कर देता हूं, नॉमिनी, आईडी कर देता हूँ, वगैरह 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 सब कर देता हूँ, तो सिर्फ एक चीज गेल में ट्रेनिंग, एजुकेशन भी देती है, हमें सिखाती है। कितने लोग डेली सुबह शाम सीखने के लिए जाते हैं? वाह, वेरी, मैं बहुत आप लोगों से बात, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनको ट्रेनिंग के नाम पे कभी पेट में दर्द और ठंडी में कभी गर्मी लगती है। आपको क्या तो आज यहां से कसम खाना, ज्ञान ही है गेलवे का जो आपको इस गेलवे में महान बना सकता है। थैंक यू, थैंक यू। जब आप सीखने जाते हैं पर क्या सीखने को मिलता है, क्या सिखाया जाता है गेलवे बिजनेस में, ट्रेनिंग में? वेरी नाइस। इधर से क्या सिखाया जाता है? बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका। वेरी नाइस। अब आपसे हम एक और सवाल पूछते हैं कि दुनिया में बिजनेस करने का तरीका सीखना तो उसके लिए कोर्स करना पड़ता है? वेरी गुड। यानी कि आप अच्छे से जानते हैं कौन सा MBA? कितने कम से कम 7-10 लाख? चलो हम पैसा भी देते, कम से कम टाइम कितना लगता है? 3 साल। कम से कम 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? यस या नो? साहब सब कुछ जान लिया, हमने कभी जाना, कभी पूछा कि जब आप डिग्री लेते हैं उस लेने के बाद उस बंदे को करना क्या पड़ता है? पूछा, कभी मिला, कभी जानने की कोशिश किया? शायद आपने नहीं कोशिश किया। मैंने कई लोगों से मिला और पूछा और समझने की कोशिश किया, क्या जवाब मिला जानना चाहेंगे? Yes, बता दूं, yes,
मुबारक हो आपको, आपको गेलवे बिजनेस मिला है और गेलवे बिजनेस में साल भर छह महीने के बाद ना लाखों लगाना पड़ता है ना सालों साल देना पड़ता है, आपको काम करता है तो लाख के बाद सालों साल देने के बाद एमबीए की डिग्री लेने के पड़ता है, यानी के उसको भी प्रोडक्ट बेचना पड़ता है और आपको भी प्रोडक्ट बेचना है। जो काम लोग करने का मौका, जब तक वो बिजनेस नहीं करेगा, जब तक वो प्रोडक्ट नहीं करेगा, उसकी डिग्री किसी में नहीं। मुबारक हो गेलवे बिजनेस। ना 5 लाख चाहिए, ना 5 साल चाहिए। क्या साल भर गेलवे बिजनेस को और ट्रेनिंग को ईमानदारी से सीखने के लिए कितने लोग पहले आज कसम खाएंगे, सर कितनों नुकसान आ जाए, कितनों तकलीफ उठाना पड़े, हम गेलवे बिजनेस में साल भर लगातार भूखे रहना पड़े, रहेंगे, डांट सुनना पड़े, सुनेंगे, परेशानी को झेलना पड़े, हम झेलेंगे और सीखेंगे और तब तक सीखेंगे जब तक ये लेवल आपके पास नहीं आ जाएगा। कसम खाने के लिए तैयार है? तो मुबारक हो, गेलवे बिजनेस आपको ग्लोबल डायमंड बनाने के लिए तैयार है। अब तक तो समझ होगा नुकसान, अभी भी समझ में नहीं आया, बाकी टाइम कभी मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं डिटेल और करूंगा, बट क्योंकि बात बहुत सारी है, टाइम कम है, तो आगे बढ़ो। फिर कुछ पैसे कर्ज लेकर मैंने अपना काम शुरू करना, अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, और जब प्रोडक्ट खरीदा तो फिर मेरे पास अपलाइन आए और मुझे बोले, नसीम तुम्हें सीखना है, समझना है, फिर इस काम को करना है। मैंने दिमाग में और दिल में बैठाया, नसीम 8 साल 5 साल जिंदगी किसमें गुजारा, पढ़ाई में, हेलो, और यहां पर आकर फिर क्या करना है, वही पढ़ाई, सिर्फ प्रोडक्ट ही तो वो काम तो क्यों कर लो, सीखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सीखने की जरूरत नहीं है, है। इतने लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लग रहा था यार जरूरत नहीं है। और फिर क्या हुआ, कुछ दिन गुजरा, 15 दिन 20 दिन महीना दिन, और मेरे अपलाइन ने मुझे बोला, नसीम कुछ तो गड़बड़ है। क्यों बोला जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं सोच रहा था यार प्रोडक्ट ही तो बेचनी है, जिसको बोलूंगा वो खरीद लेगा, जिसको बोलूंगा वो खरीद लेगा। मुझे क्या पता था कि प्रोडक्ट के बारे में पहले नॉलेज तो होना चाहिए। मुझे क्या पता था कि बाहर की साबुन भी वही काम करती है और गेलवे का साबुन भी वही काम करता है। मुझे ये पता नहीं था, ग्लेज की ट्रेनिंग लेने के बाद पता चला, साहब बाहर का साबुन भी मैल साफ करता है और झाग बनाता है, गेलवे का भी साबुन साफ करता है और झाग बनाता है। फर्क ये है कि गेलवे का साबुन इन दोनों काम के अलावा लाखपति और करोड़पति भी बना देता है। ये कब पता चला? ट्रेनिंग लेने के फिर मेरे अपलाइन ने मुझे समझाने की कोशिश किया, मुझे बताने की कोशिश किया, नसीम सीखने की जरूरत है। अपलाइन की बातों को मानकर मैं सीखना शुरू किया। कुछ लोगों मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में जब बताया तो कुछ लोग बोले, नसीम ये सब प्रोडक्ट बेचने वाला काम ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। हेलो, मेरे रिश्तेदार थे, मैंने सबसे पहले सोचा कि यार इस बिजनेस को हम क्यों दूसरे को पहले दें, क्योंकि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ पैसा कमवाना भी इम्पोर्टेंट है। मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाने की कोशिश किया तो मैंने सोचा अपने पहले रिश्तेदार को बताता हूँ, और मेरे रिश्तेदार में मेरे फफेरे भाई थे और वो एडवोकेट थे और मेरे से उम्र में भी ज्यादा थे और एजुकेशन में भी। अब आप तो समझ ही गए होंगे, बाकी बात बताने की जरूरत है, क्योंकि वकील साहब लोग जो होते हैं, अगर हैं तो प्लीज बुरा मत मानिए, सॉरी,
बाल के भी खाल निकालते। हम तो यहाँ पर ट्रेनिंग ली नहीं थी, वो कितना खाल निकाले होंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे। बस एक बात बता दूं उनकी, बता दूं। उन्होंने बोला, नसीम ये सब काम ज्यादा दिन तक चलता, अरे प्रोडक्ट बेचने वाला हो या लोगों को जोड़ने वाला, ये सब काम ज्यादा दिन तक चलता। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं अपने प्लान के पास गया, बोला सर उसके बॉडी में खून है, मेरी बॉडी में भी, हम इसकी सुनने वाले, हम इसको जवाब देंगे और बताएंगे। मेरे प्लान ने बोला, नसीम जवाब बोल के नहीं, अब तक तुझे बनना था अपनी गरीबताई को दूर करने के लिए, अब तुझे चैलेंज दिया है बनने के लिए, गरीबताई को नहीं उसको बनकर साबित करके दिखाने के लिए। अगर वाकई में लोग प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमा सकता है तो तुझे चैलेंज दिया है, तू करके दिखा सकता है, तेरे पास बाजू में दम है। और दोस्तों उस दिन मैंने कसम खाया, अब तक बनना था माँ बाप के खातिर, अब बनकर दिखाऊंगा तेरे खातिर। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले, मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने बोला, नसीम ये सब काम, ये सब धंधा, ये सब सपना, सपना ही रहे, कभी हकीकत में बदलता नहीं है। मैंने दोस्तों उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था, वाकई में यार ये बेस्ट काम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। गैलरी बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जहां पर हम पैसा सिर्फ कमा नहीं सकते, लोगों को कमवा सकते, बट लोग समझ ही नहीं रहा, जानना चाहेंगे क्यों। मेरे अपलाइन ने समझाने की कोशिश किया, नसीम लोग तुझे अभी समझने वाले, क्योंकि इस गैलरी बिजनेस के बारे में लोगों को अभी पता। जरा सोचो, अगर आपको पता नहीं है तो क्या आप समझना चाहेंगे। आपने आज तक गैलरी बिजनेस को देखा नहीं था, क्या आपने समझा था? तो बाहर के लोग भी कभी देखे नहीं तो समझेंगे क्या? नो सर। मेरा प्लान ने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। फाइनली इन शॉर्ट मैंने उनकी बातों को चैलेंज के रूप में लिया। किसके रूप में? चैलेंज के रूप में लिया और काम करना शुरू किया। इन शॉर्ट फाइनली सीढ़ी से पीढ़ी बना, कुछ लोग मिले, भरोसा किए, प्रोडक्ट को खरीदे और उसकी वजह से मैं सीढ़ी से पीढ़ी बना, ईडी बना, एसडी बना। और एसडी लेवल की एक कहानी और है, बताऊं? यस सर। उस वक्त तक बात थी उन लोगों की जिनको मैं लाने की कोशिश कर रहा था, अब बात आई उन लोगों की जिनको मैं ला चुका था। हेलो, वो लोग मेरे घर वाले, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, मेरे डाउनलाइंस की, जिन्होंने मेरे पर भरोसा किया था, जिन्होंने विलेज में काम को शुरू किया था। मेरे घर वाले के पास गए, मेरे पिताजी के पास गए और बोले, जानना चाहेंगे? यस सर। अब तक तेरा बेटा फंसा था, अब क्या हुआ है जानना चाहेंगे? यस सर। मेरे पिताजी ने बोला, क्या हुआ भाई? अरे तेरा बेटा तो फंस गया है और तेरे बेटे ने ले जाकर मेरे बेटा को भी, अब तो समझ ही गए। यस सर। क्या होता है, पिताजी का फोन आया, मैंने बोला, क्या बात है पिताजी? बोले, बेटा क्या लगता है तुम ये सब फंसने फंसाने वाला काम में लग गया क्या? मैं समझ गया, खेल शुरू हो गया, अब इसका कोई रास्ता। मैंने उस दिन अपने पिताजी को बोला, पिताजी आपने अभी तक भरोसा किया, आपने अभी तक मुझ पर भरोसा किया, ज्यादा नहीं एक साल और भरोसा कीजिए, ये बेटा आपसे आज वादा करता है, ये बेटा इस काबिल बनकर दिखाएगा कि वही लोग होंगे फिर से आपके घर पे आएंगे और वही लोग आपके घर पे आकर फिर